295. MW परिवहन विमान, नया भारत तो परिवहन विमान का भी नया दम। पुराने एवरो विमान की विदाई और नए C295 MW परिवहन विमान का स्वागत। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों संबंधी समिति ने भारतीय वायु सेना के लिए मैसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन से एक दो नहीं बल्कि 56 C295 MW परिवहन विमान खरीदने को मंजूरी दी है। भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को इन विमानों के आने के बाद और ताकत मिलेगी, क्योंकि भारी से भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाएगा। ये विमान आज की लेटेस्ट तकनीक का विमान तो होगा ही, साथ ही इसकी परिवहन क्षमता 5 से 10 टन तक होगी, यानी भारत का महाबली होगा ये विमान। ये एक तेज प्रक्रिया वाला विमान होगा जिसमें सैनिकों और कार्गो की पैरा ड्रॉपिंग के लिए रियर रैंप दरवाजा भी होगा। स्पेन के साथ MOU साइन होने के 48 महीनों के भीतर ही 16 विमानों की डिलीवरी भी कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, बाकी के 40 विमानों का निर्माण भारत में ही टाटा कंसोर्टियम के द्वारा किया जाएगा। इसमें 10 सालों का वक्त लगेगा। इन सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किया जाएगा। ये परियोजना भारत में एयरोस्पेस पारितंत्र को बढ़ावा देगी, जिससे देश भर में फैले कई MSME इस विमान के कुछ हिस्सों के निर्माण में शामिल होंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू विमानन निर्माण नए लेवल पर पहुंचेगा, यानी आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात में बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से उच्च कौशल वाले 600 लोगों को डायरेक्ट और 3000 लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं 3000 मध्यम दर्जे के कौशल वाले लोगों को भी काम मिलेगा। डिलीवरी से पहले भारत में इन विमानों के लिए डी लेवल सर्विसिंग सुविधा भी तैयार की जाएगी। मोदी सरकार की इस पहल से न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया का एक नया अध्याय शुरू होगा।